सिस्टर आपका नाम? जी मेरा नाम रेनू है। बेटी का नाम? बेटी का नाम अभिता है। अच्छा, बताइए बहन, आपकी बेटी को क्या हो गया था? मेरी बेटी को मतलब 2 साल पहले इसको टांग में प्रॉब्लम आ गई थी, और इसके ना एक टांग छोटी एक बड़ी हो गई थी, और ऊपर से इसको ना दर्द बहुत तेज होता। अच्छा, ये कितने समय तक हुआ दर्द, और ये छोटी जो टांग हुई ये कितने समय के दौरान ये काम हुआ? ये मतलब पिछले साल 2-3 महीने लगातार इसको मतलब दर्द होता। अच्छा, दर्द हुई फिर उसके बाद एक टांग छोटी हो गई? जी। कितनी कितनी छोटी हो गई थी, कुछ बता पाएंगे? 3-4 इंच तक। 3-4 इंच? ओके। फिर आप डॉक्टर के पास भी गए? जी, डॉक्टर के पास गए। तो डॉक्टर ने क्या बोला, क्या हो गया? नहीं, इनको तो कुछ नहीं बताया, मतलब ये बोला था कि कमजोरी की वजह से इसको ये प्रॉब्लम आ गई है। अच्छा जी। और इनको जो ग्लूकोज वगैरह है, फ्लूइड वगैरह, वो चढ़ा था, तो मतलब उसके उसके उसको चढ़ने से हुई टांग की प्रॉब्लम, मतलब वो ठीक तो आ गया था लेवल इसकी टांग का, दर्द नहीं जा रहा था, दर्द बहुत तेज, बहुत ज़्यादा। फिर क्या किया आपने, कैसे इसका दर्द खत्म हुआ? नहीं, और जो हमारे गांव पे है ना राजकुमार जी, हाँ जी, उन्होंने आपके बारे में बताया था, और मेरी मम्मी यहाँ पे आते थे, मतलब अच्छा। उन्होंने भी बताया था, तो मैं उनकी मतलब उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे मास्टर जी हैं वहाँ पे, आप कॉल करो। हाँ। तो आपको ना तुरंत मतलब आराम मिलेगा, तो मैंने आपको कॉल किया था। तो उस दौरान ही जब आपने प्रेयर करके उसको कहा था कि तेल की मालिश करना है, तो तेल की मालिश जब इसको किया तो इसका मतलब हल्का दर्द हो गया, 5 मिनट के अंदर ही इसका हल्का दर्द हो गया। और जब हल्का दर्द हुआ तो फिर मैंने आपको फिर से कॉल, आपने बोला कि अब बताओ कि बेटी का दर्द कैसा है, तो अच्छा। मैंने बोला कि अभी तो ये हल्का हो गया है, तो आपने बोला कोई बात नहीं, फिर से आप मालिश करो। तो फिर तुरंत ही बेटी मेरे 2 मिनट के बाद मतलब खेलने लग पड़ी, चलने लग पड़ी, मतलब बहुत मतलब ये लग रहा था कि इसको कभी दर्द हुआ ही नहीं था। अच्छा। हाँ। कितने समय के अंदर हुआ ये काम? ये सिर्फ 5 मिनट, मतलब आप बोलो 5 और 2 मिनट मिला के 7 मिनट। 5 मिनट के अंदर इसकी जो टांग थी वो भी बढ़ गई जी, और इसकी दर्द भी गायब हो गई। आपने सिर्फ वो जो प्रार्थना का तेल है वो लगाया और प्रार्थना रिसीव किया बेटी के लिए, 5 मिनट के अंदर ये ठीक हो गई। और अभी तक इसको 1 साल होने को आया, अभी 1 साल हो गया और बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल। अभी इसका जो है बिल्कुल ठीक है जी, दोनों टांगे बिल्कुल बराबर है जी, और दर्द भी नहीं है, दर्द भी नहीं है। अच्छा, एक और आप समस्या बता रहे थे, वो क्या थी? एक और समस्या अभी इसकी नहीं, जो आंखों की बता रहे थे। हाँ, मतलब पढ़ने बैठती थी तो इसकी आंखों से अपने आप पानी मतलब बहने लगता था। हाँ, हाँ। और कहती थी आंखों में जलन भी है मम्मा। अच्छा। तो मैंने उस टाइम पे भी आपको कॉल किया था, तो आपने अच्छा। इसको पानी, जो प्रेयर का पानी है, वो कहा था कि 3 दिन तक इसको पिलाना है। अच्छा। और इसके सिवाय मतलब वो किसी को नहीं देना है, वो इसी को पिलाना है। हाँ। तो मैंने इसको पिलाया था, इसका भी मतलब तुरंत ही मतलब इसको आराम मिल गया था अभी तुरंत जी। अच्छा, अब बिल्कुल ठीक है, इसकी आंखों की समस्या बिल्कुल ठीक है जी जी बिल्कुल। अच्छा बेटा, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा, जब आपको 3 महीने तक दर्द हुआ तो कैसा लगा उस समय बेटा, जब प्रॉब्लम थी, समस्या थी, दर्द थी तुझे, तो कैसा लगता था उस समय? मम्मी को क्या बताती थी, दर्द हो रहा है या नहीं? बहुत दिक्कत होती थी उस टाइम, बहुत दिक्कत होती थी, टांग में दर्द होती थी। हाँ, तो उसके कारण क्या, रोना भी आता था? रोती थी, रोती थी? तो क्या आपको क्या लगता था बहन, जब आपकी बेटी दर्द के मारे रो रही थी और इसकी टांग भी छोटी हो चुकी थी जो आपने अपनी आंखों से देखा, आपको जी, क्या फील हो रहा था उस समय? मतलब उस टाइम तो मुझे ये लग रहा था कि पता नहीं अब कहाँ लेके जाऊँ, किसके दरवाजा खटखटाऊं, जाके कोई रास्ता नहीं दिख रहा अच्छा, था। हाँ। तो शुक्र है मम्मी ने मेरे यहाँ का जो बताया, अब आज तक मुझे ये लगता है, मतलब मेरी बेटी को तो इतना विश्वास है, हद से भी ज्यादा, मतलब जिसको अच्छा। कहते हैं जी। ओके। हाँ बेटा, आप बताइए, आपको बहुत ज्यादा विश्वास है यीशु मसीह के ऊपर जी? ओके, तो बहन क्या लगता है आपको, ये चमत्कार किसने किया? मैं तो यीशु को ही मानती हूँ। ओ, यीशु मसीह ने ही चमत्कार किया।
मेरी बहन, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, आपका जो विश्वास था, उस बेटी का जो विश्वास था, उसने ये चमत्कार किया। और देखो 5 मिनट के अंदर ये चमत्कार हुआ, उसकी टांग भी जो है बड़ी हो गई और ये दर्द जो इसके टांग में था वो भी खत्म हो गया और आज तक नहीं हुआ, एक साल हो गया। और परमेश्वर का धन्यवाद, थैंक्स परमेश्वर ने आपकी बेटी के ऊपर दया दिखाई। प्रभु आपको ब्लेस करे। थैंक यू।